घटना यहाँ पे ये हुआ कि तीन लोग आते हैं और एक लोग इधर बीच में खड़ा रहता, दो किनारे पे खड़ा रहता। बोलता है मेरे को मनी ट्रांसफ़र करना है। मैं उसको बोलता हूँ ठीक है, मोबाइल नंबर और खाता नंबर दो। तो बोलता है मेरे को फ़ोन पे या गूगल पे करना है। तो मैं बोला फ़ोन पे गूगल पे नहीं होगा। उसके बाद वो मोबाइल में टिप रहा था, और मोबाइल में टिपने के बाद फिर वो जो है अंदर, दोनों एक साथ अंदर आते हैं। पहले तो अंदर आते वक्त ही हाथ में ऐसा ऐसा वो कर रहा था, लेकिन क्या है कि वहाँ दिख नहीं रहा था क्या वो कर रहा है। उसके बाद आने के बाद तुरंत जो 40 की एज के आसपास था वो तुरंत मेरे यहाँ कनपटिप लगाता, और दूसरा जो आता है तुरंत हाथ से यहाँ लगाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ खड़ा होता, यहाँ बैठा था तो यहाँ से मैं खड़ा हो जाता हूँ। उसके बाद जो 40 वाला था वो तुरंत गल्ला मेरा खींचता है। हमें लगता पहले से आए रहे होंगे, क्योंकि उनको कैसे पता कि मेरा गल्ला इधर है। गल्ला वो खींचता है, उसमें से फिर पैसा सब निकालता है। और वो दूसरा वाला जो है ये दरवाज़ा को बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद बार बार मैं उससे दो तीन बार उसका छीनने का प्रयास किया, जो हाथ में रिवाल्वर लिया था उसने। तो उसके बाद फिर वहाँ खड़ा रहा, फिर ये पैसा लेके दोनों फिर निकल के चले जाते हैं। पैसा 2 से 2.5 लाख समथिंग रहा होगा। नहीं, फायरिंग नहीं किया था। बीओ बिना मनी ट्रांसफर यूनिट जे छे यूनिट में एक लूटनो बनाव रिपोर्ट थयेलो छे। कंट्रोल मार्फते लिंबायत पुलिस ने जाण थई अने लिंबायत पुलिस अने लोकल डीसीपी ए आ बनावनी अनुसंधाने तपासमां लागेली छे। टीमो जे बनाव बन्या छे, बनावमां हथियार बतावी अने 2.5 लाख रुपया जेटलानी लूट करीने लई गया छे। पोलीस तपास चालू छे। 3 ईसमो आवेलानी प्राथमिक हकीकत सीसीटीवी फूटेजमांथी जोवा मळे छे, ने तमंचा जेवा हथियार ए बताવી અને ડરાવીને આ પૈસા લઈને જતા રહ્યા છે। બાકીની તપાસ પોલીસ કરી રહી છે। ખરેખર આ જે હકીકત છે, જે બનાવ બન્યા છે, એ આ જે યુનિટ છે એ મની ટ્રાન્સમિટિંગ ચલાવતા એક ભાઈ છે ને, જેણે બેંક ઓફ બરોડા પાસેથી આ યુનિટ લઈ અને આ છેલ્લા 8 વર્ષથી મની ટ્રાન્સમિટિંગના કામ કરે છે। પોલીસ તપાસ ચાલુ છે। 2 જીવતા કારતૂસ સ્થળ પરથી પોલીસને મળ્યા છે, જે ઝપાઝપીમાં પડી ગયેલા હોવાનું પોલીસનું અને ફરિયાદીનું કહેવું છે। એ તપાસનો વિષય છે। સીસીટીવી ફૂટેજ જોવાની જે વાત છે એ બાબત પરથી ક્લિયર થશે કે એ લોકો પડી ગયા હતા કે શું। ફાયરિંગના બનાવ પ્રાઇમરી તપાસમાં બનેલા નથી,